स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर कुछ चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मल्टीपल चॉइस सेट फॉर ऑल चैप्टर प्रीपेड बाय एमएसबीटी सब्जेक्ट एक्सपर्ट। सो इफ यू आर सीरियस यू आर एट राइट प्लेस, मेड विथ लॉट्स ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। सो वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर एज मच पॉसिबल। काफी हार्डवर्क एंड डेडिकेशन से बनाया गया ये वीडियो, क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइम में पूरे एक वीडियो में सारे चैप्टर्स लाना इट इज वेरी डिफिकल्ट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर एज मच एज पॉसिबल ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का भला हो। योर वन लाइक एंड सब्सक्रिप्शन विल मोटिवेट एंटायर टीम। जी हाँ, आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन पूरी टीम को मोटिवेट करेगा, तो एक लाइक जरूर कीजिए और साथ साथ में सब्सक्रिप्शन का बटन भी दबा दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स, दैट इज CAA 22601 फॉर CE सिविल इंजीनियरिंग 6M आई स्कीम। ठीक है, तो यूनिट 1 दैट इज PWD प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट द वर्क। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी पूरा सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग 6I के लिए कवर हो गया है, दैट इज MRS पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया एक ही वीडियो में। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग भी पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसपे सैंपल क्वेश्चन जो बोर्ड ने ऑफिशियल दिए 2020 वो भी कवर किए गए, और पूरा सिलेबस मोर देन 300 क्वेश्चन के ऊपर है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम CAA पूरा कंप्लीट करने वाले, फिर उसके बाद SWM एंड मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विच डील्स विद कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वर्क इज नोन एज PWD। ठीक है, इन PWD सब डिविजनल ऑफिसर इज ऑल्सो नोन एज AE, दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर। फॉर एनी वर्क इन PWD विच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फर्स्ट, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। कौन से भी काम के लिए PW के लिए काम के लिए सबसे पहले अप्रूवल लगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल टू और फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इन सब डिविजन, तो दैट इज डिविजनल ऑफिसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ जूनियर इंजीनियर, इसमें से कौन सा जूनियर इंजीनियर का फंक्शन नहीं है, दैट इज गिव एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ वर्क अंडर हिज कंट्रोल एंड प्रिपेयर बजट। ठीक है, व्हेन नो कॉन्ट्रैक्टर इज विलिंग टू एक्सेप्ट द वर्क ड्यू टू स्मॉल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देन वर्क इज कैरिड आउट बाय विच मेथड इन PWD, तो दैट इज डिपार्टमेंटल वर्क। फुल फॉर्म ऑफ NMR क्या है, दैट इज नॉमिनल मस्टर रोल। फॉलोइंग इज नॉट द मेथड used in PWD for carrying out work, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा method नहीं है जो PWD में काम करने के लिए carry हो जाए, that is approximate work method। For decorative plastering work, following method used in PWD, so that is rate list method। The method of valuation work on the basis of the quantity of work actually done by petty workers known as piece work method। Chief engineer has power to sanction any work, so that is उसको full power रहता है, clear? वो up to 25 lakh, 10 lakh, 5 lakh वो कुछ नहीं, उसके अंदर पूरा power रहता है उसके पास, clear? What is the full form of MHADA, MHADA, that is Maharashtra Housing and Area Development Authority। Who is works under junior engineer? तो skilled labor भी काम करेंगे, yes। Semi-skilled labor भी काम करेंगे, yes। Unskilled labor भी काम करेंगे। So answer is 1, 2, and 3, that is all of the above। Which of the following is not a function of A? That is check work in progress, no। Maintain construction accounts, no। Check muster rolls, no। So इसमें से answer है कोई भी नहीं, that is none of the above। Who has power to sanction work up to 15 lakhs? That is superintending engineer। How many methods of execution of work? तो वहां पे answer है 5। Nominal muster role has which number of forms? Form number 21। Executive engineer has power to sanction any work up to 5 lakhs। Piece work method is used for
वर्क्स अप टू 2000 रुपीस यस अर्जेंट पेटी वर्क्स यस सो आंसर इज बोथ ए एंड बी एक्सपेंडिचर सेंक्शन कैन बी एग्जिट अप टू 10% नॉट मोर देन 10% ठीक है तो ये याद रखिए टेक्निकल सेंक्शन मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल सेंक्शन का मतलब क्या है सेंक्शन ऑफ द डिटेल्ड एस्टिमेट एंड डिजाइन कैलकुलेशन अलॉन्ग विथ क्वांटिटीज ऑफ वर्क्स एंड रेट तो आंसर इज बोथ ए एंड बी फाइंड आउट इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का तो वो है मेंटेन कंस्ट्रक्शन अकाउंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्रोजेक्ट गोइंग फॉर टेक्निकल सेंक्शन रेट लिस्ट मेंशन इज यूज्ड टू बिलो इसमें क्या कैसा रहेगा रेट लिस्ट रुपीज 3000 के नीचे पीस वर्क मेथड इज यूज्ड अप टू 2000 इन द फॉलोइंग एक्टिविटी विच इज नॉट अ डे वर्क मेथड तो वो है आरसीसी वर्क फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूडी क्या है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू चीफ इंजीनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फॉलोइंग विच वर्क इज कैरिड आउट अंडर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स आएगा ठीक है ये सारे आंसर इज ऑल ऑफ द अबव आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्निकल सेंक्शन विच इज नेक्स्ट स्टेप मतलब टेक्निकल सेंक्शन हो गया उसके बाद अगला स्टेप क्या है तो है बजट प्रोविजन नाउ यूनिट टू कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है तो यूनिट टू चालू करने के से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक तो एक लाइक नहीं तो एक लाइक जरूर कीजिए और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन पूरी टीम को मोटिवेट करता है और काफी हार्डवर्क हो रहा है लेक्चर्स बनाने के लिए इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेट्स बिगिन रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसमें से कौन सा रिक्वायरमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का तो कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग सब्जेक्ट मैटर्स और अटेस्टेड बाय विटनेस ये तीनों चीज होने चाहिए सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव ए बी एंड सी हाउ मेनी रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कितना रिक्वायरमेंट है दैट इज 6 फाइंड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें से कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स है दैट इज टू डू वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन टू यूज लेटेस्ट मशीनरीज एंड टेक्निक्स आंसर इज बोथ ए एंड बी फाइंड आउट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट तो इसमें से कौन से इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज लमसम कॉन्ट्रैक्ट यस टारगेट कॉन्ट्रैक्ट यस मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट यस सो आंसर इज ए बी एंड सी ऑल ऑफ द अबव परसेंटेज रेट मेथड क्लासिफाइड एज इन पार्ट्स मतलब परसेंटेज रेट मेथड है वो क्लासिफाइड इन पार्ट्स किया जाए तो कितना होता है दैट इज 4 कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है एग्रीमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क उसके साथ साथ एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल आंसर इज बोथ ए एंड बी ठीक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एस्टैब्लिश एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी एस्टैब्लिश हुआ 1872 में हाउ मेनी क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स कितने क्लासेस दैट इज 9 फुल फॉर्म ऑफ बोथ तो फुल फॉर्म ऑफ बोथ क्या है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर क्लियर फाइंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर सबमिट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिस मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स है लिस्ट जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सबमिट करता है कॉन्ट्रैक्टर दैट इज लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्लियर आंसर इज ऑल ऑफ द बॉर्डर इज ए बी एंड सी क्लास 4 कॉन्ट्रैक्टर हैज अ लिमिट अप टू कितना लिमिट होता है क्लास 4 कॉन्ट्रैक्टर का अप टू 150 लाख फाइंड द करेक्ट एडवांटेज ऑफ लमसम कॉन्ट्रैक्ट तो क्या एडवांटेज है लमसम कॉन्ट्रैक्ट का कि टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज नोन बिफोर कंप्लीशन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन होने वाला है उसके पहले ही अपने को टोटल कॉस्ट आसपास पता चल जाता है दैट इज एडवांटेज ऑफ लमसम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट मींस लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है ओनली प्रोवाइड लेबर्स ठीक है डायरेक्ट ही बोल दिया लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या तो जो खाली लेबर देगा दैट इज नोन एज लेबर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है दैट इज
कॉन्ट्रैक्टर पेड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क उसके साथ साथ प्लस सर्टन परसेंटेज एज प्रॉफिट। क्लियर। क्लास सेवन कॉन्ट्रैक्टर हैज अ लिमिट अप टू, क्लास सेवन कॉन्ट्रैक्टर का लिमिट कितना होगा, अप टू 7 लाख। फाइंड एडवांटेज ऑफ परसेंटेज रेट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज रेट मेथड का एडवांटेज क्या है? तो पहला एडवांटेज है सुटेबल फॉर प्राइवेट वर्क, यस। स्क्रूटिनिटी ऑफ टेंडर इज सिंपल, यस। इट अलाउज एक्स्ट्रा टाइम, यस। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू, मतलब कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो किससे मिलता जुलता है, दैट इज कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट मींस, डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? इनवाइट टेंडर फॉर डिमोलिश्ड स्ट्रक्चर एंड डिस्पोजल मटेरियल, मतलब टेंडर निकालना डिमोलिश स्ट्रक्चर के लिए और उसके साथ साथ जो भी मटेरियल डिस्पोजल करना है उसके लिए, दोनों के लिए। क्लियर। कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट, ओनर गिव्स एक्चुअल कॉस्ट प्लस सर्टन फिक्स्ड अमाउंट। टारगेट कॉन्ट्रैक्ट मींस, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट प्लस परसेंटेज एंड कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। फाइंड एडवांटेजेस ऑफ नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से कौन से ऐसे एडवांटेजेस है नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट के? फर्स्ट, नो डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज, यस। एफिशिएंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर, यस। आंसर इज बोथ ए एंड बी। फाइंड द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ, तो ऑब्जेक्टिव क्या है बोथ का? दैट इज टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यस। टू रिलीज बर्डन ऑन पब्लिक बजट, यस। टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट इज यस। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। फाइंड इनकरेक्ट एग्जांपल ऑफ बोट, बीओटी बोट, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग एग्जांपल है? तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे राइट, पुणे नासिक हाईवे राइट, नागपुर एक्सप्रेस हाईवे राइट, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि यहां पे इनकरेक्ट बोला है। ठीक है, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट मींस मतलब क्या, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? दैट इज वर्क इज अवॉर्डेड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यस। इट इज यूज्ड व्हेन वर्क इज एट शॉर्ट नोटिस, यस। आंसर इज बोथ ए एंड बी। व्हाट इज फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो दैट इज क्लास 9। व्हाट इज ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इंजीनियरिंग फॉर ई, पी फॉर प्रोक्योरमेंट, सी फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। The International Federation of Consulting Engineers established at 1913. What is a function of contractor? तो contractor के function क्या क्या है? Maintain the organization to carry out the work, yes. To arrange the necessary equipments, yes. To arrange the machines for the work, yes. तो तीनों बराबर है, ठीक है, क्योंकि वो organization का work भी करता है, फिर necessary इक्विपमेंट्स रहेंगे वो भी अरेंज करता है, उसके साथ साथ जो भी मशीन लगे काम के लिए वो भी अरेंज करता है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका। तो आपको मैं एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन पूरी टीम को मोटिवेट करता है। काफी हार्ड वर्क लगा है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक और सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ साथ में MRS, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग, SWM, मैनेजमेंट, CA, ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, उसमें से MRS एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑलरेडी हो चुका है, आज CA भी हो जाएगा। क्लियर। नाउ यूनिट 3, टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो एज यूजुअल यू नो ये सारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 3, टेंडर इज एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर, यस। ठीक है, विच ऑफ दिस इज नॉट मेंशन इन अ टेंडर, इसमें से क्या ऐसा चीज है जो टेंडर में मेंशन नहीं किया जाता है? तो दैट इज साइन। टेंडर इज एन, टेंडर क्या है? एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। टेंडर इज इनवाइटिंग फॉर, टेंडर किस चीज के लिए इनवाइट करता है? तो दैट इज कंस्ट्रक्शन वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन, यस। सप्लाई ऑफ मटेरियल, यस। ट्रांसपीरेशन ऑफ मटेरियल, यस। बहुत जरूरी है।
हाउ मच टाइप्स ऑफ टेंडर, टेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज फाइव टाइप्स. विच पॉइंट नॉट टू बी इंक्लूडेड वाइल ड्राफ्टिंग टेंडर नोटिस, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इंक्लूड नहीं करना चाहिए जब टेंडर को ड्राफ्ट तैयार करेंगे, तो दैट इज मोबाइल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर. क्योंकि अगर मोबाइल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का मिल गया तो यूजुअली जुगाड़, ठीक है. सो दैट्स व्हाई मोबाइल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल ड्राफ्टिंग टेंडर नोटिस. लिमिटेड टेंडर मींस, लिमिटेड टेंडर का मतलब क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स आर इन्वाइटेड, जो गिने चुने कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं उनको ही इन्वाइट किया जाता है, उसको बोलते हैं लिमिटेड टेंडर, ठीक है. टेंडर नोटिस पब्लिश्ड इंक्लूडेड विथ, मतलब टेंडर जो नोटिस पब्लिश्ड होगा उसके साथ क्या क्या इंक्लूड होता है, दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी, फिर बाद में एस्टिमेटेड कॉस्ट. आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउट, दैट इज ए बी एंड सी. सिक्योरिटी डिपॉजिट वेरीज फ्रॉम डैश टू डैश परसेंट ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कितने परसेंट से वेरी होता है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से, तो दैट इज 5 to 10%. व्हाइल सबमिटिंग टेंडर कॉन्ट्रैक्टर हैज डिपॉजिट डैश टू डैश ऑफ द अर्नेस्ट मनी, मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को सबमिट करता है तब कितना डिपॉजिट उसको परसेंटेज में देना पड़ता है ऑफ अर्नेस्ट मनी, तो दैट इज 1 to 2%. If tender is not selected, so which amount is refunded? अगर tender select नहीं हुआ तो कौन सा पैसा वापिस return करते, that is earnest money. Validity period, it is ranges from. So validity period जो रहता है उसका range approximation कितना रहता है, that is 30 days से लेके 90 days के बीच में, 30 to 90 days. For extended of last date and time, which is useful following, मतलब extended last date and time के लिए इसमें से कौन सा useful है, that is corrigendum tender notice, ठीक है. How many tender documents contractor has submit while submitting tender, contractor को जब भी tender को submit करता है तब उसको कितने documents submit करने पड़ते हैं, that is 11 number of documents. The following what is not included in schedule A, इसमें से कौन सा शेड्यूल ए में इंक्लूड नहीं होता है, तो दैट इज पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल्स नो, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी नो, टेंडर रेट यस. सो आंसर इज सी, टेंडर रेट. इन द टेंडर नोटिस इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हु हैज फाइनल अथॉरिटी फॉर साइनिंग, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में टेंडर नोटिस पे फाइनल अथॉरिटी किसका रहता है साइन करने का, दैट इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है. तो इसके अंदर ऑप्शन वाइज देखो, फर्स्ट जूनियर दिया है, सेकंड सीनियर दिया है, एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर, तो ये तीनों में से बड़ा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसके लिए एग्जीक्यूटिव. तो आंसर को रट्टा मत मारो, समझ के लो, ठीक है. क्वेश्चन को भी, व्हेन वर्क इज नॉट कंप्लीटेड एट अ टाइम सो कॉन्ट्रैक्टर हैज गेट मैक्सिमम पेनल्टी, मतलब जो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट का काम होना चाहिए वो टाइम पे अगर नहीं हुआ तो मैक्सिमम पेनल्टी कितना लगता है, that is 10%. The following what is included in schedule B, schedule B में से क्या क्या इसमें include है, that is description of item yes, estimated quantity yes, tender rate yes. Answer is all of the above, that is A, B and C. In the following what to include in schedule C, मतलब ये जो दिया है उसमें से schedule C में से क्या क्या include होता है, that is स्टैंडर्ड पेज नंबर यस, स्पेसिफिकेशन आइटम नंबर यस, स्पेसिफिकेशन यस. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउट, दैट इज ए बी एंड सी. कॉन्ट्रैक्टर हैज गॉट डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ड्यू टू द बैड वर्कमैनशिप और डिफेक्टिव मटेरियल्स, ठीक है. तो उसका कितना रहेगा मंथ्स, दैट इज 12 months. व्हाट इज रिंग फॉर्मेशन टेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिंग फॉर्मेशन टेंडर क्या है, दैट इज All the contractor together filling tender. सारे जो contractor रहेंगे वो एक साथ tender को fill करते हैं. What is quality of arbitrator? ठीक है. So he is honest. Yes. He is faithful in justice. Yes. He is impartial. Yes. ठीक है. The answer is all of the above. That is A, B and C. If contractor is not completed any work at time, so he get minimum penalty by.
मतलब जो कॉन्ट्रेक्टर है उसने जो स्टिपुलेटेड टाइम दिया वो टाइम के अंदर उसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको मिनिमम पेनल्टी कितना देना पड़ता है, दैट इज 1% और एनी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग टेंडर डॉक्यूमेंट, इसमें से कौन से टेंडर के डॉक्यूमेंट्स है, तो देखते हैं। टाइटल पेज यस, टेंडर नोटिस यस, जनरल इंस्ट्रक्शन यस, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर कॉन्ट्रैक्टर्स हैज डैश मनी, तो उसके पास है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट। टेंडर नोटिस नॉट पब्लिश्ड इन डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में पब्लिश नहीं होगा। ई टेंडरिंग सिस्टम मीन्स, इन ई टेंडरिंग का सिस्टम का मतलब क्या है, तो जब ई आ गया मतलब क्या, वेबसाइट, तो बाय फिलिंग टेंडर ऑन वेबसाइट। तो हमारा थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब ऑलरेडी हमने MRS एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स पे वीडियो बना चुके पूरे सिलेबस का, तो आप जरूर चेक कीजिए। CAA आज हो जाएगा, SWM एंड MAN बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ यूनिट 4, ठीक है, अकाउंट्स इन PWD। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिए, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफी मोटिवेशन है और काफी हार्डवर्क लग रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MB, दैट इज मेंबर बजट नो, मेंबर बोर्ड नो, मेजरमेंट बुक यस, मेजरमेंट बजट नो, तो इसको ध्यान में रखिए, मेजरमेंट बुक। व्हाट इज फॉर्म नंबर ऑफ मेजरमेंट बुक, तो ये मेजरमेंट बुक का फॉर्म नंबर कितना है, तो दैट इज 23। यहाँ पे मेजरमेंट बुक काफी इंपॉर्टेंट है। Which is following related to the measurement book? इसमें से कौन सा टर्म जो है वो मेजरमेंट बुक से रिलेटेड है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क, ऑल द फील्ड एंट्रीज बाय इंक। ठीक है, ये तो ऑप्शन इज बोथ A and B। वॉट इज अ फॉर्म नंबर ऑफ NMR, तो NMR का फॉर्म नंबर क्या है, दैट इज 21। इम्प्रेस्ड कैश मीन्स, इम्प्रेस्ड कैश का मतलब क्या है, A standing advance, yes. Advance amount, yes. Use for day-to-day petty payments, yes. So answer is all of the above. That is A, B and C. Form number 2 क्या है? तो form number 2 है impressed cash. In a impressed cash form, month and date, yes. Voucher number, yes. Transaction, yes. So answer is all of the above. A, B and C. Who is prepared? Indeed, form in government works, that is sub-divisional officer. Form number 7 is used for, form number 7 किसके लिए use होता है, indent of invoice. In impressed cash, officers can give petty expenses in government work, that is rupees 1000. The bill consists of, bill में क्या क्या रहेगा, quantities, yes. Rates, yes. Amount due, yes. So answer is all of the above. That is A, B and C. What is invoice? इसमें से invoice क्या है? The acknowledgement of the receipts of good. Yes. ठीक है? For hand receipt, which form number is used? Hand receipt के लिए कितना form number use होता है? That is form number 28. Form number 1 is used for. Form number 1 का use किसके लिए होता है? For कैश बुक। कैश बुक क्या है? कैश बुक आर पेजेस आर मशीन्ड नंबर्ड, यस, मेंटेन डे बाय डे, यस, द ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिसीप, यस, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। टू यूज्ड एज अ सिंपल फॉर्म ऑफ वाउचर फॉर ऑल मिसेलिनियस पेमेंट, तो इसमें से कौन से फॉर्म नंबर 24, form number 26, form number 27. So answer is all of the above. That is A, B and C. Form number 24 is used for first and final bill. ठीक है? तो question ऐसे भी आ सकता है. First and final bill के लिए कितना form number use होता है? तो answer is form number 24. ऐसे भी याद रखो. Nominal muster roll has how many parts? तो उसके parts रहेंगे 3. फॉर्म नंबर 27 इज यूज्ड फॉर फाइनल बिलिंग सी. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइनल बिलिंग सी जो है वो किस कौन से फॉर्म है, तो दैट इज फॉर्म नंबर 27, तो ऐसे भी याद रखो.
फाइंड आउट रूल फॉर नॉमिनल मस्टर रोल. तो इसके अंदर क्या क्या है, अटेंडेंस शुड बी मार्क्ड यस, नो लेबर बिलो 12 इयर्स यस, इट इज नेवर प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट यस. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ए बी एंड सी. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेम्पररी एडवांस इज यूजुअली अप टू 2500. ठीक है. फॉर्म नंबर 25 व्हाइट इज यूज्ड फॉर रनिंग अकाउंट बिल ए. ठीक है. अभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, रनिंग अकाउंट बिल ए जो है वो कौन सा फॉर्म नंबर यूज होता है, दैट इज फॉर्म नंबर 25. ठीक है, तो ऐसे भी याद रखो. रनिंग अकाउंट बिल डी हैज अ फॉर्म नंबर 27A. तो इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फॉर्म नंबर 27A है वो किस चीज के लिए यूज है, दैट इज रनिंग अकाउंट बिल डी. ठीक है. मोबिलाइजेशन एडवांस इज गिवन बाय, मोबिलाइजेशन एडवांस जो है वो किसके द्वारा दिए जाते, दैट इज साइट ऑफिस, वाटर टैंक, अप्रोच ऑफिस. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी. ठीक है. स्मॉल अमाउंट एडवांस गिवन टू द इंजीनियर इन चार्ज इन केस ऑफ इमरजेंसी नीड इज पैटी एडवांस. फाइंड आउट द पर्पज ऑफ रिटेंशन मनी. इसमें से कौन सा ऐसा पर्पज है रिटेंशन मनी का, तो एनी इनकम्प्लीट वर्क यस, टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट यस, टू मीट द डैमेजेस यस. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी. वेरियस मोड्स ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, कौन से वेरियस मोड है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने के लिए, इंटरिम पेमेंट, एडवांस पेमेंट, सिक्योर्ड पेमेंट. तो तीनों राइट है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी. फॉर्म नंबर 27 व्हाइट इज यूज्ड फॉर रनिंग अकाउंट बिल सी. तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ गया, रनिंग अकाउंट बिल सी जो है वो कौन सा फॉर्म नंबर है, तो वो है 27. पिक आउट द रॉन्ग सेंटेंस अबाउट ई पेमेंट. ठीक है, तो ई पेमेंट का रॉन्ग सेंटेंस इसमें से कौन सा है, दैट इज फिजिकली हैंड टू हैंड पेमेंट. कितना सिंपल है, बट एग्जाम के टाइम टाइम कमी होने से और थोड़ा टेंशन होने की वजह से ऐसा इजी क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है, बट टेंशन लेने का नहीं. सीधा लिखा है फिजिकल हैंड टू हैंड और ई पेमेंट. ई पेमेंट मतलब क्या, ऑनलाइन, वेबसाइट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, उसको बोलते हैं ई पेमेंट. ठीक है, तो हमारा फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, और आपने अभी तक MRS या फिर इमर्जिंग ट्रेंड्स देखा नहीं है तो जरूर देखिए. सो नाउ यूनिट 5 स्पेसिफिकेशंस. ठीक है, तो यूनिट 5 में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करता है और काफी हार्डवर्क लगता है वो वीडियो बनाने के लिए, वो भी वेरी शॉर्ट टाइम में, और एक वीडियो में सारा सिलेबस काफी टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है. तो आप जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो, और साथ साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको SWM और मैनेजमेंट का भी हो जाएगा, तो आपको एक ही चैनल पे पूरा सिलेबस मिल रहा है. तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन. स्पेसिफिकेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, जनरल स्पेसिफिकेशंस और ब्रीफ स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन. ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्पेसिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं. ऑप्शन ए जनरल स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन सी डिटेल स्पेसिफिकेशन, और ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. फॉर फर्स्ट क्लास बिल्डिंग ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम फ्लोर शेल बी मोजैक. ठीक है, फाउंडेशन एंड प्लिंथ शेल बी ऑफ डैश ब्रिक वर्क विथ लाइम मोर्टार और लाइम कॉन्क्रीट. तो वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए. अब इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाउंडेशन एंड प्लिंथ शेल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क विथ डैश ओवर डैश. तो आंसर इज लाइम मोर्टार एंड लाइम कॉन्क्रीट. तो इस तरह भी आप पढ़िए. द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क यस, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स यस, प्रॉपर्टीज ऑफ मोर्टार यस. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर while preparing a detailed estimate is, मतलब जब डिटेल एस्टिमेट निकालेंगे तो कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए. आंसर इज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, अवेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी. द प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग नॉट इंक्लूड, मतलब इसमें से प्लिंथ एरिया जो रहेगा बिल्डिंग का, इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करता है. तो एरिया ऑफ कैंटिलीवर्ड पॉर्च. ठीक है, क्लियर.
इन द फॉलोइंग विच इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक, इसमें से कौन सी ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज है, दैट इज 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन, तो इसमें से कौन से स्पेसिफिकेशन है। देखो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका पहले कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और देखो ऐसा क्वेश्चन आया, मतलब ऐसे सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के आने के चांसेस है। तो आप जितना भी मैं करवा रहा हूं उतना आप कीजिए, आपको काफी बेनिफिशियल और काफी हेल्पफुल होगा, और एग्जाम में जरा भी टेंशन मत लीजिए, आप जरूर पास होंगे। क्यों नहीं पास होंगे, आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर इज ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन द फॉलोइंग विच इज इंक्लूडेड इन गाइड स्पेसिफिकेशन, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टार, यस, वर्कमैनशिप, यस, मेथड ऑफ प्रिपेरेशन, यस, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। मोर्टार ब्रिक वर्क फॉर फाउंडेशन एंड प्लिंथ, यस, सुपर स्ट्रक्चर, यस, आंसर इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग लाइम्स विद IS कोड इज यूज्ड, तो कितना कोड है, 721। इन द फॉलोइंग विच कोड इज यूजिंग व्हाइट वॉशिंग एंड कलर वॉशिंग, तो इसमें से कौन सा ऐसा कोड है जो व्हाइट वॉशिंग एंड कलर वॉशिंग यूज करता है, दैट इज 2402, दैट इज IS 2402। इन हैंड मिक्सचर वॉटर क्वांटिटी पर बैग इज, मतलब हैंड मिक्सचर में पर बैग का वॉटर का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, दैट इज 25 to 30 liter। वॉट इज द वेट ऑफ वन बैग, एक बैग का कितना वेट है, दैट इज 50 kg। फाइंड द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क का स्पेसिफिकेशन क्या क्या होगा, मटेरियल्स ऑफ द ब्रिक्स, मोर्टार एंड मिक्सिंग ऑफ मोर्टार, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। इन द एसी शीट रूफिंग फॉलोइंग इंक्लूडेड, तो एसी शीट रूफिंग में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो एसी शीट होना चाहिए, यस, पर्लिंस होना चाहिए, यस, फिक्सिंग होना चाहिए, यस, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। फुल फॉर्म ऑफ UCR, द फुल फॉर्म ऑफ UCR क्या है, अनकोर्स रबल मैसनरी, क्लियर, अनकोर्स रबल मैसनरी हैज मटेरियल रिक्वायर्ड, स्टोन लगेगा, यस, सीमेंट लगेगा, यस, सैंड एंड वॉटर लगेगा, यस, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। What is following specifications of WBM roads? ठीक है, तो preparation of subgrade, yes, collection of materials, yes, diversion of traffic, yes, so answer is all of the above, that is A, B and C. What is the full form of WBM? तो WBM का full form क्या है, water bound macadam. ठीक है, What is general specification of road in following? General specification of road क्या है? तो subgrade, yes, soiling, yes, bitumen coat, yes, answer is all of the above, that is A, B and C. In the specification of road, soiling layer has, कितना रहेगा specification, 300 mm, ठीक है? What is IS code used for AC pipe? तो AC pipe के लिए IS कोड क्या है, दैट इज IS 1626, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर द बिल्डिंग वर्क स्लंप हैज 75 से लेके 100 mm, फॉर द रोड वर्क स्लंप हैज 30 से लेके 40 mm। अंडर नॉर्मल conditions यूजिंग ordinary सीमेंट द पीरियड ऑफ removal ऑफ कॉलम इज, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ऑर्डिनरी सीमेंट जो अपन यूज करेंगे तो उसका रिमूवल कॉलम का कब होगा, तो मिनिमम 2 डेज। ठीक है, क्लियर, तो फिफ्थ यूनिट भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आपने अभी तक MRS नहीं देखा है तो जरूर देखिए, इमर्जिंग ट्रेंड्स नहीं देखा तो जरूर देखिए, इस पे जो भी बोर्ड के ऑफिशियल 2020 के सारे चैप्टर के क्वेश्चन से आंसर के साथ है, और उसके साथ साथ MSBT सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम के द्वारा पूरा सिलेबस बनाया गया वो भी है। ठीक है, CAA आज कंप्लीट हो जाएगा, SWM एंड मैनेजमेंट भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट 6 वैल्यूएशन। ठीक है, तो बिफोर वी मूव ऑन टू यूनिट 6, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन पूरी टीम को मोटिवेट करेगा, तो आप एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए, और ठान लो कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, चाहे नजदीक रहते हो दूर रहते हो। ठीक है, क्योंकि ताकि सब स्टूडेंट का भला हो, काफी हार्डवर्क लग रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए,
क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइम में ऐसा कोई भी नहीं है जो पूरा एक साथ पूरे सब्जेक्ट का या फिर पूरे सिलेबस का वीडियो बनाए, बट वी आर डूइंग एक ही कंसर्न की वजह से कि सब स्टूडेंट का भला और सब स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। और जो भी 2020 के गाइडलाइंस है उस MSBT के गाइडलाइन के हिसाब से बनाए गए, तो काफी हार्डवर्क इन्वॉल्व है, तो आप जरूर एक लाइक कीजिए और सब्सक्रिप्शन भी कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 6 का फर्स्ट वैल्यूएशन मीन्स, वैल्यूएशन का मतलब क्या है? चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ ए एंड बी, फाइंड आउट इन द फॉलोइंग नेसेसिटी और पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। तो इसमें से नेसेसिटी या फिर पर्पस क्या है वैल्यूएशन का, देखते। बाइंग और सेलिंग द प्रॉपर्टी, यस। टैक्सेशन, यस। इंश्योरेंस, यस। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। इन द टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट फॉलोइंग आर विच टैक्स इंक्लूडेड, मतलब टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट जो रहेगा उसके अंदर कौन से टैक्स इंक्लूडेड है? तो प्रॉपर्टी टैक्स, यस। कैपिटल टैक्स, यस। गिफ्ट टैक्स, यस। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। रेंट फिक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इट्स फिक्स्ड, तो दैट इज 6 to 10%। व्हाट इज कॉस्ट, मतलब कॉस्ट मतलब क्या? तो प्रॉपर्टी इक्वल टू लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना ये वाली प्रॉपर्टी में, जिसका आंसर आंसर दिया गया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, नहीं, आंसर इज लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय प्राइस, प्राइस का मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ कमोडिटी प्लस प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मतलब कमोडिटी का प्राइस उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट रहेगा वो, दैट इज नोन एज प्राइस। फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू, तो क्या क्या है? वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज वर्थ, यस। वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जी हाँ, प्लेस टू प्लेस जरूर चेंज होगा। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यस। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल ऑफ अ प्रॉपर्टी एट एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड, उसको क्या वैल्यू रहेगा? स्क्रैप वैल्यू। फिर क्या है? द वैल्यू एट एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल, तो उसका क्या रहेगा? सैलवेज वैल्यू। तो एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी आया तो आपको स्क्रैप वैल्यू ध्यान में रखना है, विदाउट आया तो आपको सैलवेज वैल्यू याद रखना है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन होने का नहीं, ठीक है। आराम से पेपर लिखो, बिंदास पेपर लिखो, आप जरूर अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। स्क्रैप वैल्यू इज डैश परसेंटेज ऑफ इट टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कितना है? 10%। इन द फॉलोइंग फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ वैल्यू, इसमें कौन से वैल्यूज है उसको फाइंड करो। दैट इज लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी, यस। लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यस। मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, यस। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। इट इज द वैल्यू विच मे बी ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम फ्रॉम द ओपन मार्केट, दैट इज मार्केट वैल्यू। इफ अ प्रॉपर्टी सोल्ड और परचेस्ड एट अ हायर वैल्यू देन द मार्केट वैल्यू बिकॉज ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द ओनर और परचेसर, इट इज नोन एज सेंटिमेंटल वैल्यू। तो यहाँ पे पहले ही आंसर बोल दिया है, क्या हो रहा है? फीलिंग्स ऑफ द ओनर और परचेजर, फीलिंग्स, तो फीलिंग क्या? सेंटिमेंटल ही होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जैसे ही आप एग्जाम में पढ़ोगे ना, तो आपको आंसर तुरंत क्लिक होना चाहिए, क्लियर। सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हार्डवर्क कर रहे हो तो जरूर आपको अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। फाइंड आउट इन द फॉलोइंग मार्केट वैल्यू चेंजेस अपॉन, तो मार्केट वैल्यू किसके ऊपर चेंजेस होगा? ड्यू टू द चेंजेस इन द फैशन, जी हाँ। ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट, यस। ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यस। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। द प्रॉपर्टी लूजेस सम वैल्यू ड्यू टू इट्स वेयर एंड टेयर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, एकदम राइट है। जो प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो जाएगा उसके वेयर एंड टेयर की वजह से, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बिकम्स लेस बाय इट्स बिकमिंग आउट ऑफ डेट इन स्टाइल इज नोन एज ऑब्सोलेंस, ठीक है। एन अमाउंट विच हैज टू बी केप्ट असाइड एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम आउट ऑफ द ग्रॉस इनकम सो दैट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग द फंड शुड एक्यूमुलेट इनिशियली कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिंकिंग फंड, ठीक है। फाइंड द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फॉलोइंग, इसमें से कौन से ऐसे मेथड्स है डेप्रिसिएशन के उसको फाइंड करो। दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, यस। कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड, यस। सिंकिंग फंड मेथड, यस। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी।
स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेट इनकम इक्वल टू कितना होता है, ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग्स, ठीक है। वाईपी दैट इज ईयर्स परचेस इक्वल टू कितना होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू अपॉन नेट इनकम। आउटगोइंग्स आर जनरली 30% ऑफ ग्रॉस इनकम। डैश टू डैश ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज कंसिडर फॉर एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, दैट इज 1-1.5%, ठीक है। व्हाट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो लैंड और बिल्डिंग का वैल्यूएशन करने के टाइम अफेक्ट करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी का लोकेशन, यस, नेचर ऑफ सॉइल, यस, प्राइस इंडेक्स, यस, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ए बी एंड सी। व्हाट इज द टाइप ऑफ लीज, इसमें से कौन से टाइप के लीज है, दैट इज एब्सोल्यूट नेट लीज, यस, ट्रिपल नेट लीज, यस, मॉडिफाइड ग्रॉस लीज, यस, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए बी एंड सी। ट्रिपल नेट लीज हैज थ्री कैटेगरीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है ट्रिपल, तो ट्रिपल क्या तीन हो गया ना, तो इसके लिए एग्जाम में एकदम शांत दिमाग से आंसर दो, कुछ घबराने की जरूरत है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आपको आंसर जरूर आ जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ो, ठीक है। इन विच लीज टिपिकली पुशिस ऑल द एक्सपेंसिस टू द टेनेंट, तो वो है एब्सोल्यूट नेट लीज, ठीक है। फाइंड आउट इन द फॉलोइंग रोल ऑफ वैल्यूअर, तो इसमें से कौन से रोल है वैल्यूअर के, दैट इज टू कंडक्ट अ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, यस, टू चेक द फिजिकल कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टू चेक द फिजिकल कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो आज हमारा पूरा सी ए ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे 6 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये काफी जो हार्डवर्क पूरी टीम जो कर रही है, वो हार्डवर्क का फायदा आप स्टूडेंट को जरूर मिलेगा, और आपकी खुशी में हमारी खुशी है। तो अभी आपने एक लाइक तो जरूर करना चाहिए, और साथ साथ में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबाना चाहिए, और उसके साथ साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए आज का वीडियो आपको कैसे लगा। सो वी एज अ स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल फैमिली, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड स्पेशल थैंक्स टू एमएसबीटी सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम।